वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो यूट्यूब पर भी हैं हमारी डेमो क्लास के अंदर भी हैं और रजिस्टर्ड क्लास के अंदर भी हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कायदे से ये डेमो क्लास जो होनी थी ये सैटरडे सुबह आठ बजे होनी थी लेकिन सुबह आठ बजे सैटरडे को नहीं हो पाई क्योंकि मैं किसी कारण से हॉस्पिटलाइज हो गया और बस फिर उसके बाद मैं थर्सडे को हो गया था तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कल छुट्टी हुई तो मैं बस आज आपके पास पहुंचा हूं तो दो दिन आपके साथ नहीं जुड़ पाया इसका मुझे बहुत दुख है आप सबका आज सी ए एडवांस्ड अकाउंटिंग में बहुत बहुत स्वागत है और आप इंटरमीडिएट में आ गए फाउंडेशन से इसकी मुझे बहुत खुशी है और आपको मैं इस खुशी के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने एफर्ट्स किए कि आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए अब थोड़े से और ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और आप फाइनल लेवल पर आओगे फिर और एफर्ट करने हैं और सी हो जाएंगे और फिर अपनी यात्रा वहाँ करना जिसके लिए आपने ड्रीम लिया हुआ है कि प्रैक्टिस करनी है जॉब में जाना है कुछ और काम करना है जो भी आपने काम करना हो वो करना तो आप अपने उस रस्ते में उस दिशा में चलते हुए एक पड़ाव पार कर गए फाउंडेशन का इसके लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं आपके माता पिता को भी हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस अकाउंटिंग सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप वन में आता है और इस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है अब पहले तो ऐसा था कि दो अकाउंट्स हुआ करते थे तो बट जाता था अब अल्टीमेटली क्या है कि एक ही पेपर में सब कुछ डाल दिया है इसलिए आपके एंड पर एफर्ट्स बढ़ गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा पेपर है जो आपका रैंक दिलाएगा यही वो पेपर है जो आपको अच्छे नंबरों से पास करा सकता है और यही वो पेपर है जिसकी बदौलत आपको बाकी पेपर समझ में आएंगे नहीं समझे अकाउंट्स क्लियर होगा तो इसी पर बेस्ड टैक्स क्लियर होगा क्योंकि हम जो बनाते हैं उसी पे टैक्स कैलकुलेट होता है हम जो बनाते हैं इसी पे जीएसटी कैलकुलेट होता है हम जो बनाते हैं इसी पे लॉ अप्लाई होता है हम जो बनाते हैं इसी का ऑडिट होता है हम जो बनाते हैं इसी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है इसका मतलब ये कि जो अकाउंट्स है यह केंद्र बिंदु है तभी तो चार्टेड अकाउंटेंसी में वर्ड अकाउंटेंट लगा हुआ है इंपॉर्टेंट होगा अकाउंटेंसी तभी तो एक अकाउंटेंसी ही ऐसा पेपर है जो आप सीए फाउंडेशन में भी पढ़ते हो इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हो और फाइनल में भी पढ़ते हो मुझे उम्मीद है इससे आपको इसका महत्व समझ में आ रहा होगा कि यह पेपर आपके लिए केंद्र बिंदु क्यों है अगर इस पेपर में आपने कोई भी गलती कर डाली तो आपके सभी जगहों पर इसका इफेक्ट आता है फॉर एग्जाम्पल आपने का अकाउंट्स हम अभी नहीं पढ़ते पहले बाकी पेपर पढ़ लेते हैं अकाउंट्स बाद में पढ़ लेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि आपको बाकी पेपर समझ में ठीक से नहीं आएंगे समझ में आ रही है आपने का अकाउंटेंसी खाली सुन लेते हैं प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे तो आपके बाकी पेपर ठीक तैयार नहीं होंगे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये धुरी है एक्सिस है सेंट्रल पॉइंट है इसी के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप इसी नजरिए से कि ये अकाउंटेंसी ही आपके लिए एक इंटरमीडिएट पास कराने वाला और रैंक दिलाने वाला है इसी नजरिए से तैयारी करेंगे ओके okay? मैं एक बात और बताना चाहता हूं इस पेपर के अंदर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पढ़ेंगे वो सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक से लेके उनतीस तक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसमें से हट चुके हैं आठवां और छठा तो इफेक्टिवली कितने स्टैंडर्ड हो गए सत्ताईस ट्वेंटी सेवन एक से लेकर ट्वेंटी नाइन तक दो उसमें से हट गए तो कितने हो गए सत्ताईस स्टैंडर्ड हो गए आप ट्वेंटी सेवन स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और जो ट्वेंटी सेवन स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ये इंटरमीडिएट में कुल मिलाकर काम होगा सीए फाइनल में जब आप आएंगे तो वहां पर आप एस पढ़ेंगे अब आप कहेंगे सर ये एस क्या चीज है ये एस क्या चीज है अपने इर्द गिर्द देखो क्या बहुत सारे कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं अपने इर्द गिर्द देखो बहुत सारी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं हाँ, मेरे को ही देख लो सबसे पहले क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या ये कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है ये कॉमर्शियल एक्टिविटी आप इंटरनेट से क्लास देख रहे हैं इंटरनेट को भी देख लें वो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है बिजनेस एक्टिविटी चल रही है जिस कंपनी के लैपटॉप में आप देख रहे हैं वो भी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है तो देर आप बिजनेसिस से घिरे हुए हैं हाँ कुछ हो सकता है ऐसी भी एक्टिविटीज हो जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस नहीं है जैसे कि हो सकता है कि मंदिर में कथा चल रही हो ठीक है हम मंदिर में चलने वाली कथा की बात नहीं कर रहे जो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब में या तो क्या अप्लाई हो रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या क्या अप्लाई हो रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या फर्क है क्या दोनों दोनों भारतीय भारतीय नहीं है हाँ, दोनों ही हैं एक के नाम के आगे भारतीय लिखा है दूसरा इंप्लाइड है कि हाँ लिखा नहीं है पर है तो भारतीय ये भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड जब बोलते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट में ए बुलाते हैं और जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं तो शॉर्ट में इंड एएस बुलाते हैं अब ये इंड एएस कैसे आए कैसे नहीं आए इसकी चर्चा हमारी अलग चैप्टर में होगी इंड एएस सीए फाइनल में पढ़ोगे आप मेरी चर्चा इंड एएस पर भी होगी और एएस पर भी होगी अलग जगह पर होगी ओके इसका मतलब अभी टेंपरेरीली हम बात कर रहे हैं तो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे इंड एएस और इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मुझे एक बात बताओ जब एक चार्ट अकाउंटेंट बन करके तैयार होता है तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज कितनी होगी फाइनल में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं जाते इसका मतलब जितना आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे इतनी ही नॉलेज एक चार्टेड अकाउंटेंट को होती है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको अपना लेवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस लेवल तक का लाना है फटाफट फड़ से बताओ <coughs> आपको अपना नॉलेज का लेवल किस लेवल तक लाना है चार्टेड अकाउंटेंट के लेवल इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सुनना भी है समझना भी है और अप्लाई भी करना है इंपॉर्टेंट बात है अप्लाई भी करना है जब आप उसको अप्लाई करना सीखेंगे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे और हमारे इंटरमीडिएट में प्रमुखता से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं एक से लेकर उनतीस तक प्लस कुछ चैप्टर्स और भी हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ब्रांच है बायबैक है ये कोई लॉ से आ रहा है कोई कहीं और से आ रहा है ये नहीं दो तीन चैप्टर हमारे पास अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं हम आपकी क्लासेस के अंदर ये सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सभी आपके जो टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स इस कोर्स में कवर कराए जाएंगे आपको इसके अंदर जो किताबें दी गई हैं मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है फिर भी आपकी शॉर्ट समरी के लिए कुछ इस तरह की किताबें हैं एक रजिस्टर है जिसके अंदर आप लिखेंगे ये एग्जामिनेशन साइज रजिस्टर है यानी एग्जाम की कॉपीज इस साइज के आती हैं इसके अंदर आपने काम करना है इसके अलावा एमसी बुक है जो कि आपके पास तीस नंबर की है इसके अलावा आपके सैम्पल पेपर्स हैं कि पेपर कैसे आएंगे और आप पेपर कैसे प्रैक्टिस करेंगे और आपकी घर की प्रैक्टिस के लिए है ये क्विक स्टार्ट गाइड है कि आपको हमारी क्लासेस में कोई दिक्कत ना आए ये तीन किताबें हैं ये तीन किताबें हैं जो आपने कवर करनी है ये तीन किताबें हैं जो आपने कवर करनी है इसमें सारा का सारा स्टडी मटेरियल कवर्ड है सारे आर टी पी सारे एम टी पी सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है आपने अलग कुछ नहीं करना है इसी में से मैं आपके पास आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन है एक और किताब है विच इज हैंड रिटर्न नोट्स कि आपको क्लास में कम लिखना पड़े तो ये हमने अपने पास एक कलर्ड बुक दे रखी है जिसके अंदर हमने आपके सारे नोट्स जो हैं कॉन्सेप्ट्स के लिखवा रखे हैं तो मैं आज आपके साथ जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन और हम आज आपके साथ इस टॉपिक की चर्चा करेंगे ओके हाँ शुभम बुक्स हमारे एंड से डिस्पैच हो चुकी है प्रोबेबली अगर आपने आजकल में एडमिशन कराया तो आजकल में डिस्पैच हुई है और अगर आपने एक दो दिन पहले कराया तो रस्ते में होंगी आपके पास पहुंचने वाली होंगी ठीक तन है तनमे कह रहे हैं आप शर्मा जी कैसे हो शर्मा जी बीमार थे बड़ा मुश्किल से आए हैं लौट के और हाँ एक बच्चे ने कहा है मैं इस समय अपने पास YouTube पर ज्यादा देख रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन उन्होंने YouTube के अंदर बड़ी कर रखी है और क्लासेस कैसे एक्टिवेट करें सब इसमें लिखा हुआ है क्लास कैसे एक्टिवेट होती है तने कह रहे हैं सर आप पतले हो गए दो किलो वजन दो दिन में घटा मैं तो पत्नी पत्नी से कह रहा था सुनो भगवान इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं दो दिन में दो किलो वजन कम हुआ है अच्छा और इसके अलावा क्लासेस कैसे एक्टिवेट करें ये इस सब इसमें लिखा हुआ है कैसे एक्टिवेट करें फिर भी मैं एक काम करूंगा मैं क्लास के एंड में आपको एक्टिवेशन के बारे में थोड़ी डिस्कशन करवाऊंगा ओके तो आप चिंता ना करिएगा और मोहित कृष्णा मिशन सीए नोटोरियस रेसलिंग ऑर्डर चिराग आलोक गिरी कार्तिक हेगड़े सत्यानंद झा विवेक मेहता संत यादव तन्मय शर्मा द रीपर और सहज सिंह शिवानी शर्मा आशीष गंभीर तो क्या आई होप आप सबके मैंने नाम भी पढ़ने शुरू कर दिए मानसी निमित डिव ब्लॉग्स लविश तान्या शिवम पार्थ गोरिका नो मुकुंद श्रेयाश अर्षदीप, सचिन, गौरव, यश गौ, गौतम निखिल कृष्णा यश अब किसी को ये ना रहे मेरा नाम नहीं लिया बड़ी देर से चल रहा था आप हमारे नाम नहीं ले रहे सुदीक्षा रोहित में इधर से भी नाम पढ़ रहा था साक्षी निखिल चलिए सब अपने मन ही मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम क्या है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स देखो बहुत सारे तरह के बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस में एक बिजनेस की मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड बड़े सारे बिजनेसेस को डील करते हैं तो मैं एक तरह के बिजनेस की बात कर रहा हूं उस बिजनेस का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं हमको अगर मान लो मैं बिल्डिंग बनाने वाला हूं सड़क बनाने वाला हूं डैम बनाने वाला हूं तो एक बच्चा कह है ताऊ जी हम उसे क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं ठेकेदार थोड़ा सा ये नॉर्थ इंडियन है आई एम नॉट श्योर आप में से कितने बच्चे ठीक से समझ पा रहे हैं इस बात को ठेकेदार वर्ड हमारे उत्तर भारत में यूज होता है वर्ड तो ठेकेदार वैसे तो बहुत तरह के होते हैं हम उसमें से कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कैसे इनकम को प्रॉफिट को लॉस को प्रोविजंस को बनाया जाता है कैसे रिपोर्ट किया जाता है क्या कंपनीज की या जो नॉन कंपनीज हैं उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और इस स्टैंडर्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस करेंगे क्या बात समझ में आती है <coughs> व्यक्ति एक बैठा है और ये इससे बात कर रहा है ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिए एक मकान एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देंगे ए कह रहा है बी से कि आप मेरे लिए एक बिल्डिंग बना देंगे दरवाजा बंद कर दो वो कह रहा है जी क्या बिल्डिंग बना देंगे तो ए बी से बिल्डिंग बनवाने की बात करता है दोनों ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्डिंग बनवाना चाहता हूं उसने कहा मैं बना भी दूंगा और क्या क्या बातें तय करेंगे फटाफट से बताओ और क्या क्या बातें तय करेंगे बिल्डिंग बनवाना चाहता है बी बना लेगा और क्या क्या बातें तय करेंगे बिल्कुल <coughs> आशीष ने तो झट से बोल दिया कह जी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तय करेंगे पैसा कितना, लगेगा? इसे बनाने के लिए पैसा कितना लगेगा और क्या क्या बात करेंगे बातें तो बहुत सारी करेंगे एक और बात भी करेंगे वो क्या होगी टाइम कितना लगेगा कितनी देर में बना करके आप इसे तैयार कर देंगे ओके okay. <coughs> मैंने आपसे कहा कि मान लो ये दस लाख की बिल्डिंग बनेगी और तीन साल में बनेगी तो क्या वैसे इसके अंदर ये पूरा बताया जाएगा बिल्डिंग में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा पूरा कुछ पहले लिखा होगा दस लाख की बिल्डिंग में क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा सब लिखा होगा ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बोलते हैं स्पेसिफिकलीगोशियटेड Specifically स्पेसिफिकली Specifically मतलब ये नहीं, उसी की बात कर रहे हैं किसी और की नहीं नेगोशिएट का मतलब क्या है आपस में उनकी बात तय हुई है उनकी आपस में बात तय हुई है अच्छा मुझे ये बताओ ये है डीएलएफ जिसने बड़े सारी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, बड़े सारी बिल्डिंग्स बना रखी हैं, और ये हूं मैं और मैं इसमें से एक फ्लोर खरीदना चाहता हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ है मैं एक फ्लोर खरीदना चाहता हूं जो कि ऑलरेडी डीएलएफ बना चुकी है या बना रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप इसे ये भी कह सकते हो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे आप ये भी कह रहे कह सकते हो ये कंस्ट्रक्टेड है इवन अभी हो सकता है जीरो कंस्ट्रक्शन भी हुई हो मैं ये एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं क्या ये स्पेसिफिकली नेगोशिएट हो रहा है <coughs> ये स्पेसिफिकली नेगोशिएट हो रहा है लेकिन ये सेल परचेज के लिए हो रहा है ये फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसके आगे वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर कंस्ट्रक्शन यानी हमने नेगोशिएट किया फॉर कंस्ट्रक्शन ये भी स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड है लेकिन ये फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है क्या आपको मालूम है जब आप कोई फ्लोर खरीदते हैं क्या आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे आप बोलेंगे नहीं भाई साहब ऐसा करो इसका एरिया बढ़ा दो या इसका एरिया घटा दो या इसके अंदर ऐसा करो इसके दो फ्लोर और ऊपर कर दो ऐसा कर सकते हैं नहीं इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन जो है वो इस पर अप्लाई नहीं होता इस पर अप्लाई होता है एएस सेवन किस पर अप्लाई होता है जो स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड हैं मुझे ध्यान से बताइए क्या आप इस वर्ड को समझ पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किसके लिए होना चाहिए कंस्ट्रक्शन अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है किसी और चीज के लिए नेगोशिएट हो रहा है भाई साहब आप उन्हें कह रहे हैं कि ऐसा कर लो ना मेरे साथ आप ये वाला फ्लोर मुझे दे देना तो लेकिन हम नेगोशिएट ये वाले फ्लोर का डिजाइन चेंज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी तय है वही मिलना है जो एरिया उन्होंने बता दिया वही मिलना है जो नक्शा उन्होंने बता दिया वही मिलना है तो आप नेगोशिएट कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं कर रहे क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मतलब ये हो गया कि इस पर ए एस सेवन अप्लाई नहीं होता किन पर अप्लाई होता है उन पर अप्लाई होता है जो स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल्स आएंगे अपना दिमाग दौड़ाओ और मुझे भी बताओ और कौन कौन से आएंगे भारत सरकार अयोध्या में एयरपोर्ट बनाना चाहती है क्या ये स्पेसिफिकली नेगोशिएट होगा या नहीं होगा फटाफट से बताइए भारत सरकार अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट बनाना चाहती है क्या ये स्पेसिफिकली नेगोशिएट होगा द आंसर इज यस क्योंकि ये कोई बना बनाया तो है नहीं ना यानी कि इसके लिए स्पेसिफिकली नेगोशिएशन होगा कि एयरपोर्ट का इतना एरिया होना चाहिए इतनी हाइट होनी चाहिए इतने एयरक्राफ्ट की पार्किंग बे होने चाहिए इसका मतलब ये वाले एक कॉन्ट्रैक्ट में एल एन टी किसने बनाया ये कॉन्ट्रैक्ट एल <coughs> एन टी ने तो एल एन टी इस पर अपना रेवेन्यू कैसे बुक करेगा हम उसकी बात करेंगे एक बच्चे ने बात करी राम मंदिर की तो मैं आपको बता दूं कि मैं हम सिर्फ और सिर्फ क्लास में एग्जाम्पल्स के रूप में राम मंदिर की डिस्कशन करेंगे नॉट एनी अदरवाइज क्या सभी जगह पर चर्चा हो रही है राम मंदिर बना अच्छा के बुरा के ये के वो हम चर्चा कुछ और कर रहे हैं हम प्रोफेशनल हैं हम बात कर रहे हैं राम मंदिर किसने बनाया नाम बताइए बीजेपी वगैरह के घटिया नाम मत लेना मैं पॉलिटिकल चर्चाओं में नहीं हूं मुझे बताओ किसने बनाया एल ने बनाया किसने बनाया कंपनी का नाम है एल एन टी लार्सन एंड टोर्बो फटाफट से बताओ क्या इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है यस और नो फटाफट से बताओ क्या ये कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है द आंसर इज यस तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि एलएनटी का उस मंदिर की बिल्डिंग को बनाने में क्या रेवेन्यू आया क्या खर्चा आया वो अपना प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट करे या ये सब काम कैसे करे हमारा फोकस राम मंदिर में इस मुद्दे पर रहना चाहिए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सारी दुनिया राम मंदिर किसी और नजर से देखे पर तुम किसी और नजर से तो हो गए ना प्रोफेशनल तुम ऐसा ना रहे कि सभी तो राम मंदिर में कुछ और देख रहे हैं और आप हैं कि आपको दिखाई दे रहा है अपना काम कि इसके अंदर किसको क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और किसको क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं है अदरवाइज आप कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं आपका सिर्फ यही मुद्दा है वहीं तक अपनी चर्चा करना दे दो मैं <coughs> मैं आपको ये बताना चाहता हूं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना जरूरी है ऐसा आप इंटर फाउंडेशन में भी पढ़कर आए हैं यहां पर भी दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई दो पार्टीज तो होंगी हो तो एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट देती है और दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है जो कॉन्ट्रैक्ट देती है उसने पैसा खर्चना है और उसके लिए एसेट की कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है वो उस काम को करता है उसी पार्टी को ठेकेदार कहा जाता कि आपको समझ में आ गई मैं ठेकेदार वर्ड से कहानी शुरू की थी पर जो लोगों को पूरी तरह ठेकेदार का मतलब नहीं पता था अब समझ में आ गया ठेकेदार मैं आपको एक बात बताता हूं हम यहां पर जो ठेकेदार की बात कर रहे हैं ठेका तो बहुत चीजों का होता है अब आप में से कई नॉनसेंस नालायक ऐसे भी होंगे कि वो कहीं शराब के ठेके पे चले जाए अरे आप उसकी बात कर वो भी ठेका होता है तो मैं आपको बता दूं इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड के आगे क्या लिखा हुआ है फटाफट से बताओ स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब मैं उन ठेकेदारों की बात कर रहा हूं जो किसके लिए हैं जो फॉर कंस्ट्रक्शन है उन्हीं की बात कर रहा हूं ठेकेदार तो बहुत सारे हैं एक ठेकेदार तो मैं भी हूं मैंने कहा मुझे आप इतने पैसे दे दो मैं आपको क्लासे दे देता हूँ ये भी तो एक किस्म का ठेका ही है मैं सारी क्लासें पढ़ा दूंगा ये भी तो ठेका ही है बट ये कंस्ट्रक्शन का नहीं है तो क्या मेरे पे ए एस सात अप्लाई होगा मैंने कहा बेटा मुझे इतने पैसे देना तुम्हारे को घर आके पढ़ाऊंगा ये भी तो ठेका ही है बट इन दैट केस क्या मेरे पे ए एस सेवन अप्लाई होगा द आंसर इज नो तो एस सेवन जो है ये बनाया गया फॉर कंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिएगा कंस्ट्रक्शन किसकी होती है सर्विसेज की होती है या एसेट्स की होती है फटाफट फड़ से बताओ कंस्ट्रक्शन किसकी होती है कंस्ट्रक्शन होती है एसेट्स की ओके okay? यानी किसी सामान की होती है आ, क्या ये एक ही एसेट होना चाहिए या ग्रुप ऑफ एसेट भी हो सकते हैं मतलब क्या उसमें एक ही एसेट होना चाहिए कि मल्टीपल भी हो सकते हैं इज मल्टीपल भी तो हो सकते हैं मल्टीपल भी तो उसी का पार्ट है लेकिन मल्टीपल में एक चीज होती है कि वो आपस में ना जुड़े होते हैं मतलब ये एसेट्स कई होंगे तो भाई जैसे मैं आपसे कहता हूं कंस्ट्रक्शन कर देना उसमें अंदर इंटीरियर डेकोरेशन भी कर देना बाहर पार्किंग बना देना छत पे रूफ गार्डन लगा देना क्या मैंने कई काम कह दिया आपको फटाफट से बताइए क्या मैंने कई काम कह दिया आपको हाँ पर ये आपस में रिलेटेड नहीं लग रहे आपको कि बिल्डिंग है तो उसके अंदर इंटीरियर डेकोरेशन है तो बाहर की पार्किंग है तो छत के ऊपर रूफ गार्डन है ये हमारे पास इसमें कवर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज जो होते हैं वो हमारे पास कभी भी ए एस सेवन में नहीं आते पर कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज इसमें है योर अंडरस्टैंडिंग यानी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज इसके अंदर हैं मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आओ जरा मेरे साथ साथ आओ और अगर आपके पास किताबें पहुंच गई हैं आप में से कुछ बच्चों के पास तो सबसे पहले हम लोग अपने पास इस जगह पर आ जाते हैं। आपकी कौन सी बुक है यह आपकी हैंड रिटन बुक है ओके। हैंड रिटन बुक के हमने अपने पास पेज थर्टी सेवन में एस सेवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ये नोट्स हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है आओ उसे देखें। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मींस स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड क्या ये इंपॉर्टेंट बात है स्पेसिफिकली यानी आमने सामने बैठ करके दो लोगों ने तय किया है क्या तय किया है टू कंस्ट्रक्ट इसका मतलब क्या तय करना है टू कंस्ट्रक्ट बनाना है क्या बनाना है कोई एसेट बनाना है या ग्रुप ऑफ एसेट बनाना है ओके okay? या तो एक एसेट बनाना है यानी कि जैसे कि हमने कहा एयरपोर्ट या ग्रुप ऑफ एसेट है जैसे हमने कहा एयरपोर्ट भी बनाना है टॉवर भी बनानी है पार्किंग का भी बनाना है वगैरह वगैरा विचार इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ये जो ग्रुप होगा ये इंटर रिलेटेड होगा आपस में जुड़ा हुआ होगा इंक्ल्यूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सर्विस कौन सी वाली इसमें जुड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन की जुड़ी हुई है यह आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग दिया हुआ है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है मुझे फटाफट से बताइए क्या ये मुश्किल काम है अगर मैं आपसे पूछूं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वर्ड याद कौन सा रखा आपने सिर्फ यही तो रखा ना स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड बाकी तो आगे चेन में चलते जाओ स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट विच आर इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड दीज इंक्लूड कॉन्ट्रेक्ट फॉर सर्विस टू कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी इसमें जुड़ी हुई है उदाहरण के तौर पर क्या क्या आ गया उदाहरण के तौर पर आ गया कॉन्ट्रेक्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग डैम रोड एयरपोर्ट और आप इसके अंदर और चीजें भी एड करना चाहें तो कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन जो है उसका मतलब क्या है उसका मतलब हमने आपको ये बताया कि उसका मतलब ये है अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई है तो अब मुझे बताइए मैं आगे चलना चाहता हूं भी मैंने आपको मीनिंग बताया भाई साहब मुझे दिखा दीजिए तो हमारे पास हम इनकी बात करेंगे अब सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कोई ना कोई एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में डाल लो कोई ना कोई एग्जाम्पल अपने मोहल्ले में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है उसका एग्जाम्पल डाल लो नहीं तो क्या करते हैं ना मैं एक कॉमन एग्जाम्पल की बात करूं अगर तो कोई एयरपोर्ट जैसे अयोध्या एयरपोर्ट ये एक एग्जाम्पल बोल देते हैं या राम मंदिर बोल देते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसका मतलब मेरा पॉइंट यह है हम एक कॉमन सूत्र के साथ जुड़ जाए कि आप कुछ और सोच रहे और मैं कुछ और ना सोचता रहूं ठीक है हम सब कॉमन हो जाए तो मैंने कहा लेटेस्ट टेक वन एग्जाम्पल जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल हो हम उसको लेकर चल पड़ते हैं ओके <coughs> तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो आता है <coughs> वो आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि दो पार्टीज में पहली पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट देती है और दूसरी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्टर्स मुझे फटाफट से बताओ ये एस कौन अप्लाई करेगा ये एलएनटी अप्लाई करेगी या वो जो ट्रस्ट है मैं और नाम भूल गया उसका ट्रस्ट का नाम है जो और मंदिर बनवा रहा है राम क्षेत्र ऐसा कुछ नाम है क्या ये ट्रस्ट का ऊपर अप्लाई होगा या ये पर अप्लाई होगा दिस विल अप्लाई टू एल एन टी अच्छा एक बच्चे ने बोला है कि वो इंटरनल uh, डेकोरेशन भी क्या इसमें आएगी ऑफ कोर्स अन इंटरनल डेकोरेशन भी इसके अंदर आएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ठीक है अब फूल तो आएंगे नहीं क्योंकि फूल तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे नहीं फूल तो कोई और लगाएगा लेकिन अगर उसके अंदर लगने वाली मूर्तियां ये वो डूमर उमर वो है वो सब इसमें आएंगे ओके चलिए तो एल अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा मुझे ये बताइए जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं इनके अंदर क्या ये विद इन ट्वेल्व मंथ ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है या मोर देन ट्वेल्व मंथ लगते हैं <coughs> क्या ये कंस्ट्रक्शन विद इन ट्वेल्व मंथ हो जाती है या ये मोर देन ट्वेल्व मंथ लगते हैं तो देखो आमतौर पे बारह महीने से कम भी लग सकते हैं लेकिन आम तौर पे आम तौर मतलब जनरली मोर देन ट्वेल्व मंथ लगते हैं मुझे बताइए क्या मैं फिर से मैंने कहा ना मैं कॉमन कौम, कॉमन सूत्र से मैंने बांध दिया आपको पहले ही राम मंदिर बोलकर क्या होता है ऐसे एग्जाम्पल बेशक हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड एग्जाम्पल्स हो लेकिन हमें अपने प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करनी है हम उसके एंगल से यूज कर रहे हैं ओके विदाउट एनी बायस टुवर्ड्स एनीवन तो मैं ये बोलना चाहता हूं एल के लिए राम मंदिर का प्रॉफिट कैसे बुक होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो, तो उन्हें बहुत साल लग गए 2021 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई कब स्टार्ट हुई 2021 में और बता रहे हैं कि अभी राम मंदिर कंप्लीट नहीं है इसे पूरा होने में अभी भी एक साल और लगेगा क्या इसके बनने में अगर मान लो चार साल लग गए तो एल अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेगा क्या ये पॉइंट हम चिंतन करें अगर राम मंदिर को बनने में चार साल लग रहे हैं तो क्या इस बारे में बात करें कि हमारे पास इसका प्रॉफिट कैसे बुक होगा हम तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आपको राम मंदिर में श्रद्धा और भावना दिखाई दे रही है तो मैं कितना खराब आदमी हूं मुझे ही इसके अंदर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको भी दिखाई प्रॉफिट नहीं देना चाहिए इसके अंदर ठीक है इसमें आपको भी प्रॉफिट दिखाई देना चाहिए ठीक है <laughs> तो एक और भी है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे एक और भी पार्टी का प्रॉफिट है हम उसकी चर्चा करेंगे तो लोग मारेंगे मुझको डरते भी तो है ना हम इसका मतलब हम बात उस उस प्रॉफिट की नहीं करेंगे जो असल में प्रॉफिट है हम किस प्रॉफिट की बात करेंगे हम एलएनटी के प्रॉफिट की बात करेंगे ओके तो इसलिए हम हाँ अपनी बात सिर्फ वहीं तक फोकस करने वाले हैं तो देखिए मेरी बात सुनना वो प्रॉफिट कैसे बुक करेगा मैं उसके बात करता हूं तीन नजरिए हैं। आप मुझे बताना मान लो तीन साल लग रहे हैं मंदिर बनाने में एलएनटी ने सारा का सारा प्रॉफिट फर्स्ट डे बुक कर लिया होगा अच्छा वैसे तो आप में से कई बच्चों को सुनकर यही बड़ा अजीब लग रहा होगा क्या एल एन टी प्रॉफिट कमा रहा होगा कईयों को तो यही लग रहा होगा मंदिर से प्रॉफिट कमा रहा होगा हा सच्चाई का सामना करो इमोशन मत जियो सबका प्रॉफिट है कहीं ना कहीं समझ में आ रही है बात इसलिए कोई भी और झमेले में और तुम अपनी बात सोचो तुम्हारा क्या प्रॉफिट है अपनी बात करो बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्या प्रॉफिट कमा रहा होगा करोड़ों रुपए कमा रहा होगा क्या उसने प्रॉफिट पहले ही दिन बुक कर लिया होगा जिस दिन उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा उसने कहा हो गया प्रॉफिट डू यू एग्री विद कि प्रॉफिट फर्स्ट डे हो जाए आंसर इज नो यू कांट से प्रॉफिट फर्स्ट डे हो जाएगा नंबर दो द प्रॉफिट विल अकर एट जब राम मंदिर बन जाएगा तीन साल बाद तभी इसका प्रॉफिट फुल बुक होगा क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो सबसे आखिरी में होगा जब राम मंदिर बन जाएगा आप इससे भी एग्री नहीं करते गलत है तो ये भी गलत है प्रॉफिट कब बुक होना चाहिए प्रॉफिट बुक होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड क्या आप ए, समझ पा रहे प्रॉफिट बुक होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें कितने साल लग रहे हैं प्रॉफिट फड़ से बताओ इसमें कितने साल लग रहे हैं तीन साल तो प्रॉफिट कितने पीरियड में बुक होना चाहिए तीन साल में तो कैसे बुक होना चाहिए इस पर अप्लाई हो जाता है हमारा एक मेथड कॉल्ड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जितना पहले काम कर दिया जितना कंप्लीशन पहले साल कर दिया उतना प्रॉफिट यहां बुक हो जाएगा जितना कंप्लीशन यहां कर दिया उतना प्रॉफिट यहां हो जाएगा जितना कंप्लीशन यहां कर दिया यहां हो जाएगा और एंड तक तो कंप्लीशन हो चुका होगा तो यानी दिस इज द मेथडोलॉजी क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अब मुझे फटाफट से बताओ ये एस क्यों बनाया गया होगा क्या आपको उसका कारण समझ में आ रहा है कि वो कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करती हैं, यानी जो राम मंदिर बनाती हैं, एयरपोर्ट्स बनाती हैं, डैम बनाती हैं बिल्डिंग्स बनाती हैं और आपके गली मोहल्ले के मकान भी बनाती हैं वो अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेंगी वो अपना प्रॉफिट पहले साल में कितना बुक करेंगी दूसरे साल में कितना बुक करेंगी तीसरे साल में कितना बुक करेंगी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन है क्या आपको समझ में आ गया जब आप ये स्टैंडर्ड पूरा पढ़ लेंगे तो आपको यही बात समझ में आएगी हमारे पास इस मेथड की चर्चा को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कहा जाता है और मैंने ट्राई तो बहुत किया अपना लेकिन मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है इस समय बहुत तेज दर्द हो रहा है जब मैं आया था तो कमर में तेज दर्द नहीं था लेकिन मैं उस एनर्जी से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जिस एनर्जी से मुझे पढ़ाना चाहिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं तो मैं शायद अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ कल ही छुट्टी हुई है इस कारण से हो सकता है कि अभी वीकनेस हो तो मेरी कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है मैंने फिर भी उतना कराने का प्रयास किया कि बता दूं ए सेवन क्या है इसका बेसिक उद्देश्य क्या है और <clears throat> मुझे क्या लग रहा है कि हम न, वैसे तो मैं चाहता था मैं घर से जब सोच कर रहा था ये सोच कर रहा था कि कल आपकी तीन घंटे की क्लास लगाएंगे सुबह साढ़े छः बजे से मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी आपको कल की कमिटमेंट भी ना करूं मुझे कल की क्लास पर भी डाउट लग सकता है ओके तो हम वैसे पंद्रह तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होना है तो हम पंद्रह तारीख से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा <coughs> हमारा जो ऑफिशियल डेट है उसी डेट से स्टार्ट करते हैं पंद्रह तारीख से और उसी नज़रिए से आगे बढ़ते हैं ठीक है मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको आगे ले जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं ले पा ले जा पाया आज और थैंक यू फॉर दिस और आपका पहले भी दो बार आपने समय दिया मुझको और मैं उसमें नहीं आ पाया मुझे उसका भी बहुत दुख है थैंक यू वेरी मच बाय